इस साल का आईपीएल शुरू होने में बस कुछ घंटे ही शेष रह गए हैं। शनिवार 19 सितंबर को इस टूर्नामेंट की दो सबसे सफल टीमों चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले के साथ आईपीएल का आगाज हो जाएगा। इस मैच में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर सभी की निगाहें होगी। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा का है। अपने ऑलराउंडर खेल से टीम इंडिया में जगह पक्की कर चुके रविंद्र जडेजा के लिए भी ये मैच काफी मायने रखता है, क्योंकि इस मैच में उनके नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है। दरअसल रविंद्र जडेजा अगर आईपीएल के उद्घाटन मैच में 73 रन बनाने में सफल हो जाते हैं तो वो आईपीएल इतिहास के पहले ऑलराउंडर बन जाएंगे जिनके नाम पर 2000 रन और 100 विकेट दर्ज होंगे। उनसे पहले आईपीएल के अब तक के इतिहास में किसी भी ऑलराउंडर ने ये कमाल कर नहीं दिखाया है। दरअसल जडेजा आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स, कोची टस्कर्स, केरल और गुजरात लायंस के लिए भी खेल चुके हैं और उनके नाम पर अब तक कुल 1927 रन और 108 विकेट दर्ज हैं। यही नहीं, रविंद्र जडेजा के नाम इस टूर्नामेंट में 50 जड़े बगैर 1500 रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। इसका ये कारण है कि चेन्नई सुपर किंग की बल्लेबाजी लाइनअप काफी मजबूत है और उन्हें बल्लेबाजी क्रम में नीचे भेजने के कारण बैटिंग करने के ज्यादा मौके मिलते नहीं हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि आईपीएल के उद्घाटन मैच में जडेजा के पास 2000 रन पूरे करने के चांस कम है। हालांकि पूरे सीजन में उनके पास ही मौका रहेगा। टीम इस दौरान लीग स्टेज में 14 मैच खेलेगी। इसके अलावा प्लेऑफ के मैच भी अलग से हैं। रविंद्र जडेजा ने अपना आईपीएल करियर राजस्थान रॉयल्स के साथ शुरू की थी और 2008 में खिताब जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रहे थे। खैर, अब देखना होगा क्या इस बार जडेजा ये शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर पाते हैं या नहीं। खैर, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक क्रिकेट की हर अपडेट पहुंच सके। LD न्यूज रूम से नितिन सक्सेना की रिपोर्ट।